नमस्कार दोस्तों, आज 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जा रहा है। वेटलैंड यानी ऐसी भूमि जो लगातार जल भेदों को सींचती हो और जहां पानी बना रहता हो, अर्थात दलदली भूमि। अब देखिए, दलदली भूमि में भी बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं और उनके लिए वो अनुकूल होता है, तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए आज का दिन जो है वो मनाया जाता है। आज ही के दिन देखिए, भारत और सोवियत संघ के बीच इस्पात संयंत्र लगाने का समझौता हुआ था, यानी 2 फरवरी 1955 में भारत और सोवियत संघ के मध्य 10 लाख टन की क्षमता वाले इस्पात संयंत्र को स्थापित करने पर सहमति बनी थी। इसे लेकर दिल्ली में दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर आज ही के दिन किए थे। बाद में संयंत्र लगाने के लिए भिलाई का चुनाव किया गया था। देखिए, आज ही के दिन यानी 2 फरवरी को नेल्सन मंडेला 1990 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर करीब 30 साल से लगा प्रतिबंध हटा लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति FW de Klerk की घोषणा के बाद नेल्सन मंडेला को 11 फरवरी 1990 को रिहा किया गया। इसके बाद ही वहां रंगभेद खत्म हुआ। बेबाक कलमकार खुशवंत सिंह, पत्रकार खुशवंत सिंह का जन्म आज ही 2 फरवरी 1915 में यानी 1915 में पंजाब के हदाली गांव में हुआ। दिल्ली, लाहौर और फिर कैम्ब्रिज से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। लंदन से ही कानून की डिग्री ली। 1939 से लेकर 47 तक लाहौर हाईकोर्ट में इन्होंने वकालत की। 1947 से लेकर सन 51 तक विदेश मंत्रालय में रहे। 1956 में पहला उपन्यास ट्रेन टू द पाकिस्तान आया, जो कि खुशवंत सिंह का लिखा हुआ था। कई पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। 1980 से 86 तक की राज्यसभा के सदस्य रहे। पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से नवाजे गए। 20 मार्च सन 1914 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। तो ये कुछ 2 फरवरी का ये इतिहास था जो कि हमसे संबंध रखता है, भारतीय लोगों से इसका विशेष महत्व है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इतिहास की नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।